रेलवे की हड़ताल के बारे में सवाल करते करते मई की 6 तारीख को हम धनबाद पहुंचे। यहां से सारे हिंदुस्तान के लोहे के कारखानों, बिजली के थर्मल पावर स्टेशन और अनगिनत छोटे बड़े कारखानों को कोयला सप्लाई किया जाता है। रेलवे की हड़ताल होने से अगर कोयले का आना जाना बंद हो जाए तो लोहे की भट्टियां ठंडी हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं और उन्हें दोबारा बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। लीडर और सरकार एक दिन में बदले जा सकते हैं, लेकिन अगर किसी मुल्क की लोहे की भट्टियां ठंडी हो जाएं, तो फिर बनाने के लिए कई बरस लगते हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। ये नुकसान ना कोई लीडर पूरा कर सकता है और ना कोई सरकार। ये नुकसान हमेशा जनता को ही पूरा करना पड़ता है। से हमारे स्टील प्लांट को कोयला नहीं मिलेगा, हमारे मजदूर जो है इन लोगों को कंपनी ले ऑफ कर देगी, इनकी रोज की रोज तनख्वाह मिलती है और जब काम नहीं रहेगा तो इनको काम पैसा नहीं मिलेगा और ये खाने पीने मरेंगे। बाबू अगर ये गाड़ी बंद हो जाएगा तो आपके धंधे का क्या होगा? बाबू गाड़ी बंद हो जाए तो हम लोग भूखे मरेंगे। वो कैसे? तो फिर कोई काम यहाँ नहीं मिलेगा हम लोग का। आप शादीशुदा हैं? हाँ बाबू, बाल बच्चा सब कुछ है। तो ये तनख्वाह नहीं मिले तो क्या होगा? तो फिर सब भूखे मरना पड़ेगा बाल बच्चा को, क्या करेंगे बाबू, कहाँ से लाएंगे, कुछ तो उपाय नहीं है। मई की 7 तारीख को हमने कुसुंडा रेलवे यार्ड और उसके आसपास में शूटिंग की। यहाँ से मालगाड़ियाँ कोयला लेकर सारे देश में जाती हैं। हमने हड़ताल के बारे में यहाँ के रेलवे मजदूरों से कुछ सवाल किए, जिनका जवाब हमें ये मिला। हमारा तो यही ख्याल है, अभी हम लोग को यहाँ देखिए 3.5 रुपया केजी चावल मिल रहा है, 14 रुपया 15 रुपया करके तेल मिल रहा है, गेहूं 2.5 रुपया मिल रहा है, अब देखिए 196 रुपया हम लोग को तलब मिलता है। उसमें हम लोग को क्या होगा? मान लीजिए कोई भी व्यक्ति दुए परानी अगर है, एक ठे मर्द और एक ठे जनाना उसका, तो 2 आदमी इतना में कैसे चलेगा? हम लोग आधा पेट खाकर अभी जीवन को निर्धारित कर रहे हैं, हम लोग को पेट नहीं भरता है, इसलिए कर हम लोग सोचते हैं कि ऐसे भी खाने पीना मर रहे हैं और स्ट्राइक करने से भी हम लोग मरेंगे। हालांकि देश का क्षति है, ऐसा बात नहीं है कि क्षति नहीं है, क्षति है, मगर हम लोग लाचार होकर हम लोग को करना ही पड़ता है। हम लोग के पास कोई दूसरा शस्त्र नहीं है, बस हम लोग के पास एक तो यही शस्त्र है कि हम लोग काम नहीं करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, कोई नहीं रोक सकता। हम लोग 8 तारीख को स्ट्राइक जरूर होगा, ये तो शर्तिया है, अगर हम लोग जीवित रहें या हम लोग को गोली से उड़वा दे घर में, मगर ये हम लोग छोड़ेंगे नहीं, जरूर करेंगे। लेकिन ये स्ट्राइक के साथ अगर आप खुद मरेंगे तो और बाकी हिंदुस्तान को भी लेके डूब मरेंगे, जबकि हमारा ही प्राण जा रहा है तो हम दूसरे को क्या देखेंगे? स्ट्राइक में अगर हम चले जाते हैं या हम लोग चले जाएंगे तो कोयला नहीं पहुंचेगी, हमारे जितने कल कारखाने बंद हो जाएंगे, इससे जनता सबको तकलीफ होगा और हम जो दूसरे नौकरी करने वाले भी उनको भी तकलीफ होगा। स्ट्राइक से हमेशा नुकसान होता है, स्ट्राइक कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। स्ट्राइक से नुकसान क्यों होता है? स्ट्राइक होता है कि हमारी आमदरफ्त आई है या और रेल गाड़ी का जो माल डब्बे ढोए जाते हैं, कोयला जो आना जाना होता है वो सब बंद हो जाएगा। बंद हो जाने की वजह से यह कि मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचेगा। ये आपका क्या ख्याल है, ये गवर्नमेंट तनख्वाह ज़्यादा दे सकती है कि नहीं दे सकती है? आप दे सकती है कि नहीं दे सकती गवर्नमेंट जाने नहीं, लेकिन आप तो वर्कर हैं, आपको भी तो जानना चाहिए। हम वर्कर हैं, हम लोग मुल्क आदमी, हम लोग क्या जाने नहीं, लेकिन आपके तरफ से लोग लड़ रहे हैं तो आपको बताते होंगे आपकी मांगे क्या है, क्यों है, कैसे हैं, गवर्नमेंट दे सकती है नहीं दे सकती है? ये तो हमको मालूम नहीं, दे सकती है कि नहीं दे सकती है उनको हाथ में है और लड़ने वाला जानता है। तो आपको कह दिया जाता है कि स्ट्राइक कर दीजिए तो आप स्ट्राइक कर देते हैं? हम कहाँ स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक करने वाला ऊपर वाला सब स्ट्राइक करता है, हम क्या स्ट्राइक करेंगे? स्ट्राइक तो सिर्फ जायज है। जायज क्यों है? बोनस नहीं मिलता है रेलवे कंपनी रेलवे कर्मचारी को। बोनस भी तो नहीं मिलता है और बहुत कुछ नहीं मिलता है, लेकिन स्ट्राइक करने से जो नुकसान होगा उसके बारे में आपको कुछ पता है? वो तो स्ट्राइक होना नुकसान तो जरूर है, मगर गवर्नमेंट हम लोग को वेतन दे, राशन दे, बोनस दे, स्ट्राइक कभी नहीं करेगा। तिवारी साहब,
आप धनबाद स्टेशन पे स्टेशन मास्टर हैं, आप हमें कुछ बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ने रेलवे वर्कर्स के लिए क्या क्या फैसिलिटीज इस वक्त दी हैं? रेलवे वर्कर्स के लिए गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज दी है, जिनमें को रहने के लिए क्वार्टर, बिजली, पानी, लड़कों को पढ़ाई के लिए उसके कंसेशन मिलते हैं, तथा जाने के लिए फ्री पास, पीटीओ, उसके लिए खड़े कॉलोनी में रिक्रिएशन क्लब तथा इंस्टीट्यूट, सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स, इस तरह की सब सुविधा दी गई हैं। तो आपके ख्याल से जो स्ट्राइक होगी ये सही होगी या गलत होगी? स्ट्राइक होगी, इसमें हर तरह की खराबी होगी, मजदूरों की खराब नुकसान, देश का नुकसान, और खाने के लिए न किसी को सामान मिलेगा, न किसी तरह की लोगों को शांति रहेगी, आपस में फूट होगी और मारपीट होगी। द इफेक्ट ऑफ द रेलवे स्ट्राइक विल बी डिवास्टेटिंग एज फार एज द कंट्रीज इकोनॉमी इज कंसर्न्ड। द एंटायर कोल रिक्वायर्ड फॉर द स्टील प्लांट्स इज फॉर्चुनेटली लोकेटेड इन द धनबाद एरिया एंड वी मूव द कोल टू ऑल द स्टील प्लांट्स। इफ दिस मूवमेंट स्टॉप्स द स्टील प्लांट्स विल कम टू अ क्लोज एंड देयर विल बी ट्रेमेंडस डैमेज टू द कंट्रीज इकोनॉमी। A steel plant needs to be fed with vast quantities of materials of various kinds. Even a medium-sized steel plant would require to receive perhaps 20,000 tons of such materials every day. If the inflow of these materials is interrupted for any length of time, as you say, for perhaps 2 weeks, we would come to a stage where it would not be possible to feed enough coal to the coke oven batteries and also enough coke to the blast furnaces. Now these two units are such that once you have heated them up to an operating level, you have got to maintain their temperature within a fairly narrow range. And if they are allowed to cool down below that safe range, then the refractory linings of the ovens and of the blast furnaces suffer permanent damage. If all these units were lost to us as productive units, the capital loss will be well in excess of 200 crores, maybe about 220 or 230 crores. But that's only one part of it. These huge capital assets cannot be constructed in a day. Even if we had the capacity to start constructing 3 blast furnaces and 4 coke oven batteries at a time, which incidentally we don't have by a long chalk, it would still take us anything up to 4 years to complete them and to bring them into commission, which means that during this entire period we would not be able to produce a ton of coke or a ton of iron. मई की 8 तारीख को हम कलकत्ता पहुंचे। न जाने हिंदुस्तान के इतिहास में ये तारीख किस रंग में लिखी जाएगी। Excuse me, sir. I've been seeing you waiting since morning at the Howrah station. Are you waiting for somebody to arrive by train? Yes, my son is expected from Bombay. He was due here at 7:20. We were told that the train is 2 hours late. It's 10:30 now and the train is still not in. We are anxiously waiting for him. How do you feel about the strike? Well, what can we feel? I mean, sooner it is stopped, the better. It's going to affect all of us. Not only me, you here and all the people. So what do you think we should really do? Well, we have got to resist it. The government should be very firm in doing it. And sooner we do it, the better. Because what I feel is, the political leaders are trying to make capital out of it for themselves. They want to build themselves up, they are not worried about the people. जिनकी नौकरी है वही तो अपना मांग पूरी कर रहे हैं, लेकिन हमको तो नौकरी नहीं है, हम तो खटता है खाता है। तो कल हड़ताल बंद हो गया, कल भी खाना नहीं खाया, और आज भी जैसा हो गया, बस ऐसा 3 रोज आ जाएगा हम लोग, बस सभा सभा। बड़े बड़े शेरों लोग बन गए, किसी में बन जाएंगे, लाखों करोड़ों बना लेंगे, इसी में माल रखे हुए हैं कोठी के अंदर, पूरा दाम बढ़ जाएगी, उनकी हो गई कीमत कभी।
एक कोटी से चार कोटी तैयारी है, गरीब कहाँ जाएगा? गरीब दौड़ गया, बहुत कुछ खराबी हुआ है हड़ताल से, बहुत भुखमरी और भी बढ़ेगी। ये हड़ताल होने का बहुत से गरीब का विनाश है, देश हम लोग का देश बहुत गरीब है, और जिनको मिलता खाने का उनका पेट भर के और भी मिलता है। हम लोग जैसे गरीब है, हमारा बाल बच्चा का घर में चूल्हा नहीं जल सकता, काहे ना एक पैसा आमदनी नहीं हो रहा, आज हमारा बाल बच्चा भूखा मर रहा है। सारे सवाल जवाब करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अपनी मांगों को पूरा करने के लिए हड़ताल करना मजदूर का हक है, लेकिन हड़ताल करने से पहले मजदूर को यह सोचना जरूरी है कि इस हड़ताल से वाकई उसका और उसके मुल्क का कुछ फायदा होगा, या वो सिर्फ कुछ नेताओं की कठपुतली बनकर अपने आप को और अपने मुल्क को सुला देगा।